इसको सेव करना है। अब हमारे पास इसका डेटा सेव हुआ होगा, तो हम बोलते हैं मुझे H3 के अंदर यूजर इनपुट डॉट नेम और ई के अंदर बोलते हैं यूजर इनपुट डॉट ईमेल। अच्छा अभी आ रहा है इंडेक्स ऑपरेट करने का, और ये कहाँ का है, ये हो सकता है यहाँ का हो। गेट आइटम यूआईडी क्या यही था, बल्कि एक और कंडीशन ला रही है कि हमें इफ यूआईडी इज नॉट इक्वल इक्वल टू नल हो इसका मतलब डेटा होगा तो ये चलाना। मैं साइन अप पे जाके देखता हूँ मैं किस नेम से सेव कर रहा था, यूजर आईडी के नाम से सेव कर रहा था। तो यहाँ पे दोबारा एंड करता हूँ, अच्छा इसका मैंने अपडेट किया नहीं, लेकिन उसमें डेटा भी आ गया अहमद अहमद जो भी था। अब इसको मैं करता हूँ क्लास फ्लेक्स जस्टिफाई सेंटर आइटम सेंटर फ्लेक्स कॉल नाइस, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। इनपुट फील्ड ला सकते हैं ईमेल और या सब चीज़। अब हम यहाँ डॉक में आते हैं दोबारा, हमने ये स्टेप तो कर दिया था, अब बचा था ये क्रिएट अ रेफरेंस। अभी बोले ये लगाओ, ये हम कर चुके हैं ठीक है, हमने ये यहाँ पे लगाया और गेट स्टोरेज हमारा कहाँ से आएगा, स्टोरेज डी वी के पास से, क्योंकि हमने ऑलरेडी स्टेप कर चुके हैं और वहाँ से एक्सपोर्ट इम्पोर्ट कर लिया। स्टोरेज रैक बनाते हैं यहीं पे। अब क्या करना है, अब ये रैप भी आ रहा है कहाँ से, स्टोरेज से, ये भी कर लेते हैं इम्पोर्ट, इम्पोर्ट है ऑलरेडी ओके स्टोरेज इमेजेस। अच्छा यहाँ पे हम रख देते हैं नेम इमेजेस, खास नहीं किया हुआ इसका असल कोड मेरे पास है ना, तो उसमें बहुत छोटी सी डिटेल है। अब इन्होंने करा भी क्या है कि गेट स्टोरेज की तो हमें ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमने ऑलरेडी वहाँ से ये काम किया हुआ है गेट स्टोरेज फायरबेस की फाइल पे। बस हमें क्या करना है, रैप मंगाना है, स्टोरेज हमारे पास ऑलरेडी आ गई। अब यहाँ पे हमने रैप क्रिएट किया, रेफरेंस मतलब स्टोरेज में जाके एक लोकेशन क्रिएट करी कहाँ पर ये जाके इमेज का डेटा रखना है। सेम चीज़ आपकी वीडियो में होती, सेम चीज़ आपकी ऑडियो में होती, ऑडियो आपने रिकॉर्ड करी अपलोड करी ना किस जगह जाके रखनी है। अब नॉर्मली हम क्या करते हैं, हम टाइम स्टैम्प में रखवाते हैं क्योंकि टाइम स्टैम्प हमेशा नया होता है। अभी जो सेकंड गुजरा पिछले से मुख्तलिफ था, तो अभी जो आने वाला सेकंड है वो भी मुख्तलिफ है, तो कभी मैच नहीं होता सेकंड, या तो ईयर का डिफरेंस होगा या तारीख का डिफरेंस होगा या फिर
एएमपीएम का डिफरेंस होगा। मतलब आप आज की तारीख में 12 सितंबर 2024 में भी अगर 11 बजेंगे तो सुबह की बजेंगे रात की बजेंगे, लेकिन उसमें भी एएमपीएम का फर्क है, तो मैच हो ही नहीं सकता। तो ये तो हम ये क्या करते हैं, लेट टाइम स्टैम्प इक्वल टू डेट डॉट नाउ रन रेडी। अब इसमें मिल जाएगा टाइम स्टैम्प। अब यहाँ पे मैं बोलता हूँ इस तरह इमेजेस स्लैश डॉलर टाइम स्टैम्प। तो ये क्या हो गया, इमेजेस का एक फोल्डर बना, उसके अंदर टाइम स्टैम्प के हिसाब से टाइम रखा गया, उसके अंदर इमेज रख दी हमारी। नहीं हाँ, इमेजेस का नाम ही टाइम स्टैम्प होगा, जो नहीं एमएल डॉट जे पी जी होता, अभी टाइम डॉट जे पी जी होगा। हाँ डॉट नेम करते नाम चले जाता है, लेकिन हमें ये करना है ना कि या तो ये भी कर सकते हैं इमेज का जो भी नाम वो अपलोड कर दो। अब जैसे बहुत सारी जगह पे ऐसा होता है हमें नहीं मिलता नाम वगैरह, तो बेहतर ये होता है डायरेक्ट ठक करके रखवा दो जो भी नाम। हाँ टाइम स्टैम्प। अब ऐसा हुआ कि तुम्हारी ना टीपी का नाम था टीपी डॉट पी एन जी, मेरी भी इमेज का नाम था टीपी डॉट पी एन जी। अब मैंने अपलोड करी, तुमने अपलोड की, तुम्हारी टीपी डॉट पी एन जी ने मेरी इमेज ओवरराइट कर दी। हाँ अब इसमें भी एक मसला है, एक ही टाइम पे दोनों अपडेट हुई, तुम्हारा टाइम स्टैम्प और मेरा टाइम स्टैम्प सेम है, जैसे ही कॉन्फ्लिक्ट आ सकता है। इसमें भी क्या करते हैं कि टाइम स्टैम्प से पहले अलग अलग प्रोफाइल बनाता हूँ। जैसे मेरा नाम क्या है, यहाँ पे मैं ये लिख देता हूँ यूजर इनपुट डॉट नेम, के इमेजेस के फोल्डर के अंदर हर बंदे का अलग फोल्डर बने और उस फोल्डर के अंदर अलग अलग टाइम स्टैम्प बने। अच्छा इसमें भी एक और चीज़ है कि टाइम स्टैम्प बना दिया, नाम रख दिया, अब नाम के अंदर भी क्या करो प्रोफाइल्स के सेक्शन इमेजेस अलग अलग हों, जैसे फेसबुक पे होता है ना डी पी आपके अलग होंगे, इसे कवर फोटो अलग होती है, नॉर्मल एल्बम अलग होता है, उसका भी ये तरीका करते हैं कि इसको अगर प्रोफाइल की पेज से प्रोफाइल पेज से अपलोड करो इमेज तो स्लैश प्रोफाइल स्लैश टाइम स्टैम्प, और नॉर्मल एड पोस्ट करो आप सेल करने के लिए वाले वगैरह तो उसको अलग फोल्डर में रखो, आपकी नाम के अंदर अलग फोल्डर हो जिसमें वो मार्केट प्लेस स्लैश टाइम स्टैम्प, ताकि इन फ्यूचर कभी आपको डिलीट भी करनी पड़े तो आप ठक करके ये सब डिलीट करा सको, ऐसा ना हो कि आपने सारी ही डिलीट कर दी थी स्पेसिफिक यूजर की कर सको। सही हो गया, यहाँ तक क्लियर है, जब प्रैक्टिस करेंगे और क्लियर हो जाएगा। अच्छा एक स्टेप तो हो गया, हाँ ये मैंने इसलिए किया भाई क्या करिए अनडिफाइंड हो तो नेम रीड ना करें, वही रुक जाए, वही रुक जाए, एरर नहीं देगा, अगर ये नहीं लगाऊंगा तो एरर देगा, बोलेगा नहीं तो है ही नहीं अनडिफाइंड के अंदर। कुछ क्वेश्चन पूछने से ये होता है जवाब आ जाता है, अगर जवाब पॉजिटिव हो गया तो फिर आगे दूसरा सवाल पूछा जाता है। अच्छा रेफरेंस तो क्रिएट हो गया, आप जाते हैं अपलोड फाइल पर, पहला काम होता है क्रिएट रेफरेंस। अच्छा क्रिएट रेफरेंस किस लिए ज़रूरी है, अपलोड के लिए भी ज़रूरी है, डाउनलोड के लिए भी ज़रूरी है। पहले ये होता है क्रिएट रेफरेंस करते हो, उसी रेफरेंस पर फाइल अपलोड होती है, उसी रेफरेंस पर फाइल डाउनलोड होती है, समझ लो। फाइल स्टोर में क्या होता है, आप रेफरेंस क्रिएट करते हो ना कलेक्शन डीवी डीवी के आगे यूजर्स, वो तो बहुत सिंपल है, स्टोरेज में भी बताना पड़ता है कि किस जगह से उठाना है या किस जगह डालना है, ठीक है उस जगह ही जाके फाइल रख देता है, और अगर डाउनलोड करोगे फाइल तो उसी रेफरेंस से जो भी उधर डेटा होगा वो लेके आ जाएगा, क्योंकि आपकी ऑडियो फाइल्स वॉइस मैसेज यहीं पे होते हैं। अच्छा ये तो हमने कर लिया, अब ये दिखा रहे अपलोड बाय, अपलोड फ्रॉम स्ट्रिंग अपलोड फ्रॉम अ बाइट अरे एड फाइल मेटा डेटा। ये ट्राई करते हैं, ये हमारा बना हुआ है अपलोड बाइट का आता है, ओके करता हूँ।
सेलेक्ट करते हैं उन्होंने क्या किया, चलो ये तो है ना, ये स्टेप पहले ही कर दूँगा सबसे पहले, ताकि जितनी देर में सब प्रोसेस होगा उतनी देर में यू आर ए कम्प्लीट हो जाए। अब देखते हैं क्या क्या हुआ। पहले हम चेक करेंगे वर्ड कर रहा है, फिर मैं एक्सप्लेन करूंगा इसको, ठीक है। मुझे फाइल्स में जाना पड़ेगा, यहाँ पे मुझे जाना पड़ेगा स्टोरेज में, यहाँ पे मैं गेट स्टार्ट कर देता हूँ, टेस्ट मोड प्रोडक्शन प्रोडक्शन मोड में जाके फॉल्स को ट्रू कर दो लूज में, रीड एंड राइट है ना, हर जगह फॉल्स होता है शुरू में, तो तब तक अपलोड नहीं होती, परमिशन नहीं है, ट्रू करना पड़ेगा। फिर ये भी होता है कि अगर आपको अपना डेटा चाहिए मतलब यूज़र्स आगे यूआईडी आपकी, तो वो आप उसी यूआईडी के बंदे होने चाहिए, तो आप अपना डेटा राइट कर सकते हो और डिलीट कर सकते हो, वरना ये कोई भी बंदा आया डिलीट डॉक लिख के कलेक्शन का नाम डाला सब उड़ गया, तो ये हर किसी को परमिशन नहीं देनी चाहिए, ये पढ़ लेंगे एंड पढ़। लेकिन है बड़ा कन्फ्यूजन, अक्सर लोग चैट जीपीटी से लिखवाते हैं,
ऑथेंटिकेशन ऑफ फंड लोकल स्टोरेज से नहीं कर रहे हैं, चेक लोकल स्टोरेज से कर रहे हैं सर। हाँ बैंक पे वो लोकल स्टोरेज वो सेव है, लेकिन हम अगर ऑथेंटिकेशन करने जाएंगे ना फाइल बेस की, तो वो रिलोड वगैरह के मसले आते हैं, लूप चलता रहता है, लूप चलता रहता है। तो बैंक पे वो सेव रहे, जब वो हिट ना करे तो पावर दे दो दोबारा। अच्छा ये एप्लीकेशन जो है ना ट्रांसपेरेंट होती है, एप्पल वगैरह इसको जब टेस्ट करते हैं उनको सब नज़र आ रहा होता है किसने इस फाइल में क्या लिखा होगा और परमिशंस में क्या लिखा होगा, तो वो वापसी भेज देते हैं कि यार ये नोटिफिकेशन का टेक्स्ट थोड़ा सही करो, यूजर को समझ आ जाए, ठीक है ना। तो बहुत ध्यान से, अब तो गूगल भी बहुत टेस्टिंग कर रहा है, पहले नहीं करता था, अभी उसने मुझे, मैंने अभी अपलोड करी है एक ऐप, तो उसमें मुझे उसने बार बार दे रहा है ना फीडबैक किया, आपके ई पोर्टल इतना है तो उसको 48 करो। तो हर चीज़ की साइज बहुत मैटर करता है, हर स्क्रीन पर अगर ये यूज़ करो तो हर जगह इतना ही होना चाहिए, बटन सब जगह इतनी भी होने चाहिए, कर्व तो कर्व उतने ही हर जगह होने चाहिए, तो बहुत सही चीज़ है। अच्छा हमारे बन गया, अब हम यहाँ आते हैं टेस्ट करते हैं अगेन कि क्या हो क्या रहेगा, कंसोल पे फिर रखते हैं ताकि पता चल जाए कि क्या चल रहा है बैक पे। अब देखो 0% डन रनिंग, 100% डन अपलोड इज रनिंग, ये क्या रहा है कि गेट डाउनलोड यूआरएल इज नॉट डिफाइंड, मैंने वो कहा था इसको मैं एक्सप्लेन करूँगा जब ये वर्क करेगा। आप लोगों ने देखी लोडिंग पिक्चर अपलोड करते हैं हल्की सी लोडिंग चलती है, वो गिफ्ट नहीं होता, वो यहाँ से हमें इन्फॉर्मेशन मिल रही होती है कि इसने कितनी अपलोड हो गई, डन हो गई 100 तो आपको लोडर कमेंट। अब यहाँ देखते हैं कि अपलोड हुई भी नहीं हुई, क्या नाम था फोल्डर का मेरे, अगर अपलोड हुई तो इमेजेस, इमेजेस कहते हैं नाम, अगर अनडिफाइंड होगा तो अनडिफाइंड में नाम बन जाएगा, लेकिन इसने दिखा दिया कि इमेजेस के अंदर अहमद नाम का एक फोल्डर है, देखो अहमद ये रहा, यही नाम रखा था मैंने फोल्डर का, अहमद के अंदर टाइम स्टैम्प या प्रोफाइल टाइम स्टैम्प, ठीक है, और उसके अंदर ठीक है मेरी पिक्चर, आसान था फिलो, लेकिन जो कोड पेश किया वो ना मुझे पता है ना आपको पता है, उसको भी हम पोस्टमार्टम करते हैं उसका, लेकिन ये देख लो स्टोरेज लोकेशन ये, अब इसको क्लिक करके या पेश करता हूँ तो नहीं खुल रही, इसका मतलब ये नहीं, हमें इस यूआरएल की ज़रूरत है हमारे पिक्चर के लिए, ये कैसे होगी, अब आके कोड रीड करते हैं लिखा क्या है, हमने बोला था स्टोरेज रेफरेंस बनाओ, स्टोरेज रेफरेंस का हमने बोला रैप आ रहा है फाइव स्टोरेज से, उसमें हमने कहा स्टोरेज जो कि आ रही है हमारी फाइव बेस की फाइल से। नेक्स्ट हमने बताया कि नाम क्या रखना है हमारी इमेज का, अब क्योंकि नाम मैच ना कर जाए हमने कहा इमेजेस का फोल्डर हो, क्योंकि हमारी एप्लीकेशन में हो सकता है वॉइस का भी फोल्डर हो, वीडियोज़ का भी फोल्डर हो और भी डॉक्यूमेंट्स का फोल्डर हो, तो हमने बता दी इमेजेस हैं रख सकते हो, लेकिन फोल्डर के अंदर जाके रखना प्रेफर किया जाता है। अच्छा यूजर की यूआईडी फिर एक चीज़ के लिए रख सकते हो, जैसे इमेज की, इमेज के लिए यूआईडी बोल रहे हो या ना फोल्डर के लिए, इमेज के लिए अच्छा आइडिया, जैसे मैंने नाम रखा आप यूआईडी रख देना, हमने भी नाम रखा था ये यूआईडी रख सकते हैं, टाइम स्टैम्प जो करंट टाइम हम अपलोड करें, क्योंकि हर दफ़ा चेंज होता रहता है इसलिए हमने यूज़ किया, लोग वो भी यूज़ करते हैं, क्या होती है यार एक लाइब्रेरी होती है जो कि हर वक्त नया पासवर्ड जनरेट करती है, UUID ऐसा ही कुछ नाम है उसका, UUID वो फंक्शन कॉल करो ना तो एक लंबी स्ट्रिंग जनरेट करती है, वो हमेशा न्यू होती है। अब मसला ये कि हमारी एप्लीकेशन पर लाखों यूज़र्स हों तो किसी की मैच नहीं करनी चाहिए वरना ओवरराइड हो जाएगी, पता चला मेरे में किसी और की प्रोफाइल आ रही है, तो इसलिए मैंने फोल्डर भी बना के सिक्योर कर दिया। तो ये तो मैंने बता दिया लोकेशन, यहाँ तक इस लाइन में मसला नहीं है, और ये मैंने सीधा कॉल पेस्ट कर दिया फाइल बेस की डॉक्यूमेंटेशन। अब बात आई अपलोड टास्क की,
अपलोड टास्क कैसे करते हैं, अपलोड बाइट्स रिज्यूमेबल। अब देखते हैं यहाँ पे और कौन सा फंक्शन था अपलोड फाइल के लिए, अपलोड बाइट्स। आप सिंपल से अपलोड बाइट कर दो, हाँ अपलोड बाइट्स कर दो, ये हटा देता हूँ। ये इसलिए यूज होता है ताकि आप इमेज पोस्ट कर सको, उसकी प्रोग्रेस देख सको कितनी अपलोड हुई है। अच्छा, जब ये अपलोड बाइट्स हो रहा होगा ना तो हमें कंटेंट टाइप देने की जरूरत नहीं है, जब ये हो जाएगा तो हमें डॉट टेन मिल जाएगा। डॉट टेन के अंदर हमें क्या मिलेगा, स्नैपशॉट। या फिर एक काम करते हैं यहाँ लिख देते हैं अवेट, या चलो यहाँ स्नैप को भी चेक कर लेते हैं, स्नैप में क्या मिल रहा है। थोड़ी थोड़ा देता हूँ, अभी एक और फंक्शन है ये इसके अंदर रख देता हूँ। अब मुझे स्नैप इसको भी फिलहाल कमेंट रखता हूँ, ठीक है। ये एक और काम करता हूँ ना, ये स्टोरेज रैम डाल देता हूँ इसके अंदर, ठीक है। अच्छा, ये लाइन समझ आ रही है, गेट डाउनलोडेबल यूआरएल, उसके अंदर मैंने स्टोरेज ऐड रख दिया और स्टोरेज ऐप के अंदर से हमें मिल जाएगी डाउनलोड यूआरएल। अब चेक करते हैं क्या मिलता है, अगेन ट्राई मारते हैं। हाँ शुरू कर दिया था, शुरू करता हूँ। अच्छा, स्नैप में मुझे क्या मिला, रैप मिल गया, स्नैप डॉट रैप, और डायरेक्ट फाइल अवेलेबल एट ये भी दिखा दिया इसने। देखो अब मैं इसको अगर खोलता हूँ तो मुझे ये मिल गया, मतलब कितना इजी स्टेप है। अब देखो अगर मैं इसमें भी कर दूँ अवेट, सही है, ये डॉट देन हटा दूँ, कंसोल भी हटा दूँ, और यहाँ भी मैं बोलता हूँ लेट यू आर एल इक्वल टू ये, और ये भी हटा दूँ, और सेट इमेज में यहाँ में लगा देता हूँ एसिंक, यहाँ में लगा देता हूँ सेट इमेज यू आर एल। अब इसको ज़रा देखो क्या हो रहा है, ये बात तो क्लियर थी, इसमें तो कोई मसला ही नहीं है। फायर भी स्टार्ट हुई यहाँ से, आपने टाइम स्टैम्प रखा, टाइम स्टैम्प को भी छोड़ दो, इमेजेस के अंदर यूजर इनपुट डॉट नेम है, ठीक है, यूआईडी रख देना ताकि नेम भी सेम हो सकते हैं, यूआईडी सेम नहीं होती। अच्छा, टाइम स्टैम्प की जगह आप बोल दो डीपी, क्योंकि हमें पता है कि प्रोफाइल पिक्चर ही हो रही है, तो हमेशा उस इमेज को ओवरराइड करता है जो डीपी है। ऐसा ना हो यूजर 10 पिक्चर अपलोड करें तो 10 पिक्चर अलग अलग स्टोर हो रही है, एक ही जगह ओवर राइड हो जाए, डी पी पर ओवर राइड हो जाए, कवर फोटो कवर फोटो में ओवर राइड हो जाए, ठीक है। अब अपलोड बाइट के अंदर आपने स्टोरेज का एड्रेस डाला और फाइल रख दिया, अगर नाम सेम होगा तो। अब देखो अगर यहाँ पे आप आते हो ना, यहाँ पे देखो दो इमेजेस होंगी, देखो अलग इमेज सेम है लेकिन नाम डिफरेंट है, तो दो स्टोर हो रही है, तो प्रोफाइल पिक्चर का एक ही नाम रख दो ताकि बार बार स्टोर ना हो, वही ओवरराइड हो जाए डीपी के लिए। ऐसा लग रहा है बराबर पीरियड चल रही है फौज की। अच्छा, गेट डाउनलोड यूआरएल के लिए भी आपने बस वही स्टोरेज रैम डालना है और ये इमेज आप डाउनलोड करके दे देगा, उसके बाद क्या करना है,
हेड डॉक, हेड डॉक डी बी यूजर्स यू आई डी आई एन जी यू आर एल। मैं चैट लिस्ट में जाता हूँ 2 सेकंड के लिए। चैट लिस्ट में हम कैसे मंगा रहे हैं, डायरेक्ट दे रहे हैं ना। अब यहाँ हम बोल देते हैं कर्ली ब्रैकेट आइटम डॉट आई एन जी हो वरना ये सही। अब चेक करते हैं, एक और काम करते हैं प्रोफाइल पिक्चर में। नहीं बस सही, और ये देखते हैं। नहीं, यहाँ पे जो है ना आई एन जी की जरूरत नहीं है, सेट आई एन जी क्या था मेरा यूजर इनफो डॉट इमेज अदरवाइज क्या हो डिफॉल्ट आई एन जी ठीक है। और यहाँ जो मैं ये कर रहा हूँ ना, इधर भी मुझे ये करना है सेट यूजर इनफो उसमें क्या हो डॉट 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 यूजर इनफो कॉमा आई एन जी के अंदर यू आर आई। यहाँ पे भी ये सीन समझ आ रहा है क्या हो रहा है? नहीं आया। मैंने कहा यूजर का डेटा मांगा और यूजर इनफो में सेव कर दो, सेव हो गया। नीचे मैं कह रहा हूँ अगर यूजर इनफो डॉट इमेज हो तो इमेज शो करना यूजर की, वरना क्या ये शो करना डिफॉल्ट इमेज। ये और का साइन है। अब फॉर एग्जांपल नहीं डिफॉल्ट इमेज शो हो रही है, तुमने पिक करा इमेज अपलोड हुई, अब तुमने क्या करा अगेन सेट कर रहे हो सेट यूजर इनफो, लेकिन तुम क्या कर रहे हो जो ऑलरेडी यूजर इनफो पड़ा है उसको ला के तोड़ो, 3 डॉट लगा के कॉमा आई एम जी उसकी वैल्यू रख दी यू आर आई, मतलब अपडेट कर रहे हैं ओवरराइड नहीं कर रहे। अगर मैं इमेज रख दूंगा तो पूरा डेटा मेरा सब चले जाएगा। मैंने कहा सारी चीज़ें वही रहने दो, एक और चीज़ ऐड कर दो स्लाइसिंग करके। सेम फॉर दिस, अब चेक करते हैं डी पी डॉट जे पी जी ये होगी अपलोड, और यहाँ मैं क्या है अपडेट डॉक डॉक डी बी यूजर्स यूजर इनफो डॉट यू आई डी ठीक है आई एम जी यू आर एल। अच्छा असल में गलती क्या करी हमने, यहाँ अवेट नहीं लगाया, ये पूरा प्रॉमिस रिटर्न कर रहा है गेट डाउनलोडेबल यू आर एल। अब हमने अवेट लगा दिया, अब सिर्फ यू आर एल रिटर्न करेगा। अब चेक करते हैं थोड़ी देर के लिए हटा देता हूँ ताकि मुझे मेरी पिक्चर को नजर आए। सही है, तो यहाँ मेरी पिक्चर आ रही है। नहीं हटेगी नहीं, हाँ ये डेटा वहीं का वहीं रहेगा। ये कॉन्सेप्ट क्लियर, वेयर का भी कॉन्सेप्ट क्लियर, डिस्प्लेस का भी कॉन्सेप्ट क्लियर, बचा यूज स्टेट यूज कॉन्टेक्स्ट वाला।
ये हमने बोला इमेजेस स्लैश यूजर यूआईडी स्लैश डीबी। अब अगर तुम फाइनेंस फ्रंट में आओ यहाँ पे ईडीबी हमने क्यों रखा है सबको समझ आ गया था। अब जैसे यहाँ पे अगर आप देखो नोटिफिकेशन मोबाइल में वेब पे नहीं होता है, नहीं आता मैसेंजर का व्हाट्सएप का करा देंगे। मैं आता हूँ इमेजेस में अगेन, क्योंकि मैंने यूआईडी कर दी है तो ये अहमद अलग फोल्डर है, इसको मैं कर देता हूँ डिलीट। अब इसमें आपने देखा था दो फाइल थी, दो फाइल थी, इसमें एक ही होगी हमेशा क्योंकि नाम से मैं जितनी दफ़ा प्रोफाइल पिक्चर अपडेट करूँगा एक ही नाम पे जाकर वो राइड होती रहेंगी, कोई स्टोरेज ज़्यादा नहीं होगी क्योंकि हमारे पास सिर्फ 1 GB या 5 GB फ्री डेटा है स्टोरेज का। अब एक एक फाइल 5 MB स्टोर कर ले, तुमने ही 10 पिक्चर अपलोड कर दी, टक्कर कर गई, अच्छी नहीं लग रही, वो अच्छी नहीं लग रही, 50 MB तो ये नहीं, ऐसे 50 यूज़र हो गए हमारे डेटा बेस में, पैसे देने पड़ेंगे। तो जैसे केबीस में जा रही है ये केबीस में इसलिए कि मैंने गिटहब से डाउनलोड की, गिटहब ने ऑलरेडी कंप्रेस करके रखी हुई है। अब मैं अगर व्हाट्सएप पे अपलोड करूँ तो 5 MB वेबसाइट्स हैं कंप्रेस की। यहाँ पे भी जैसे है ना प्लगइन्स आते हैं, 2 MB से ज़्यादा बड़ी शायद अलाउ नहीं है या कुछ नहीं, वो तो एयर फॉर शेयर 5 MB का। लेकिन बड़ी एप्लीकेशन लाइव एप्लीकेशन में ऐसा नहीं होता ना, हाँ स्टूडेंट्स के लिए तो ये कॉन्फ़िग चेंज करी, अकाउंट चेंज किया बस, हाँ कॉन्फ़िग चेंज की, नया प्रोजेक्ट शुरू हुई, टेस्टिंग वगैरह 24 घंटे बाद वो चेंज हो जाता है ना प्लान, पर डे की लिमिट होती है 50,000 रीड राइट, और स्टोरेज की ये होती है टोटल कि अगर टोटल अगर स्टोरेज 1 GB या 5 GB पड़ी तो वैसे जैसे 1 GB टेक्स्ट की स्टोरेज है, 5 GB स्टोरेज की स्टोरेज, जैसे फाइल स्टोरेज आप 1 GB का डेटा हो सकता है बस फ्री, लेकिन क्योंकि टेक्स्ट KBs के अंदर होता है बहुत कम स्टोरेज रहता है तो इसलिए मसला नहीं होता। अब देखो डीपी अब जितनी दफ़ा अपलोड करूँगा डीपी रहेगी, अब मैं आता हूँ प्रोफाइल में तो मेरी पिक्चर आ जाएगी इसकी जगह पूरी, तो है पिक्चर चेंज करो कौन सा वगैरह अच्छा हमारा जो है ना हमारे पास जो डेटा स्टोर है उसका ताल्लुक सिर्फ आपकी URL से, मतलब मैं अगर कॉपी इमेज एड्रेस करके यहाँ फाइल स्टोर डेटाबेस में जाके वो लगा दूँ तो वो हो जाएगा, क्योंकि आपका स्टोरेज का ताल्लुक है बस अपलोड करके आपको देना, मतलब अपलोड करना वो डाउनलोड करना है फिर अपडेट करना है। अब फायरबेस स्टोरेज महंगी पड़ी है तो आप क्लाउड में यूज़ कर लो, वो है ही सिर्फ इमेजेस के लिए, तो जो आपको $10 देने पड़ेंगे आपको शायद $2 देने पड़ेंगे महीने के। जो एप्लीकेशंस होती है ना बड़ी बड़ी उनके महाना मिलियंस में लाखों में डॉलर के एक्सपेंस होते हैं इन चीज़ों के, डेटाबेस को पे करना, इसको पे करना, उसको पे करना, सब्सक्राइबर्स को पे करना।
फाइव वेज से ही बनाते हैं सब। नहीं नहीं उस दिन उमड़ के शो हो रहे थे, वो पिक्चर अपलोड कर रहे तो वहाँ शो हो रहा है मैसेज, मतलब पिक्चर ये अपलोड यहाँ कर रहे शो वहाँ हो रहा है, मतलब कॉन्फिग भी चेंज कर। तो मैंने सर्च करो डीपी सर्च की तो दो फाइल आ रही थी डीपी, एक उसको मालूम थी एक नहीं मालूम थी, तो कोई ना कोई मिस्टेक हम कर रहे होते हैं। मैंने जो अभी एक बैंक एप्लीकेशन टाइप की एप्लीकेशन बनाई है मैंने, बस देखो बैंक में ये होता है तुमने मुझे पैसे भेजे मैं जिम्मेदार हूँ तुम्हें देने का जब तुम मांगोगे, अब तुमने 10 लोगों को ला दिया अपने पास, अब बस तुम एक बंदा यहाँ से पेमेंट सेंड करता तो वहाँ क्या होता है सिर्फ नंबर अपडेट होता है बस, पैसे कहीं कुछ नहीं जाते रुपये उड़ के, सिर्फ नंबर अपडेट होता है, इसका अकाउंट यहाँ कम होता है उसके वहाँ अपडेट हो जाते हैं। बस मीज़ान वगैरह बैंक के नहीं टोटल का नहीं होता वो, तो जैसे अब उसने तुम्हारी आईडी खोली पता चला तुम्हारे अकाउंट कितने हैं, उसकी आईडी खोली, अब जैसे मैंने जो बैंक एप्लीकेशन बनाई ना उसमें यही है कि बस पैसे यहाँ से कम होंगे वहाँ अपडेट हो जाएंगे। अब क्या है विड्रॉ करने तो आप विड्रॉ की रिक्वेस्ट भेजो एडमिन को जाकर बैंक में पैसे भेजेगा और आपके पैसे वहाँ से माइनस हो चुके होंगे। अच्छा अपडेट अगर पैसे खरीदने एप्लीकेशन में जैसे बाइनेंस वगैरह होती तो आप क्या करोगे रिक्वेस्ट फॉर पेमेंट करोगे और उसके बैंक में पैसे भेज दोगे जो भी एडमिन ने प्रोवाइड किया होगा और स्क्रीनशॉट दे दोगे, एडमिन के पास नोटिफिकेशन जाएगा वो देखेगा हाँ इस बंदे ने पैसा सेंड कर दिया, रिलीज करने से क्या होगा अब उसकी डेटाबेस में पॉइंट अपडेट हो जाएंगे मतलब उसकी ऐप में पैसे आ गए, कितना सिंपल। तो हाँ जैसे मैं इमेज चेंज कर रहा था इस तरह कर रहा था, देखो ये है ना इमेज की URL ली आई एन जी, इसको मैं अपडेट कर देता हूँ गूगल की कोई भी इमेज से और यहाँ आता हूँ चैट पे, तो यहाँ पे वही अपडेट फेसबुक का लोगो आना चाहिए सही। हाँ बिल्कुल प्रोफाइल पे जाओगे तो इसी तरह अपडेट होता है ईमेल, इसी तरह ईमेल ना अपडेट करो और पासवर्ड ना अपडेट करो, बाकी तो अपडेट करते हैं मैडम बायो भी देते बिल्कुल बायो दो एडिट ऐड में जाओ तो यही सिर्फ अपडेट प्रोफाइल अपडेट डॉक का तो ऑप्शन देना है अपडेट डॉक डिलीट डॉट डिलीट डॉक अपडेट डॉक ऐड डॉक सेट डॉक रेड डॉक और क्या फिर गेट डॉक्स है भाई, यही 6-5 क्यूरीज हैं और पूरी डेटा बेस इसी में खत्म, ये सर्वरलेस डेटा बेस है इतनी आसानी हमारे लिए। अब बताएं इसमें कोई क्वेश्चंस वगैरह नहीं करते इस्तेमाल जरूरी होता है बस ये कोर्स का हिस्सा है। नोटिस पढ़ना है हाँ जैसे कि मैं यहाँ गया साइन अप में मैंने यहाँ से कॉपी किया ठीक है बोल देता हूँ
फेसबुक रीड नेटिव पे मैंने प्रोडक्ट भी फेसबुक का ही है ना, तो ये इन चीज़ों पर बनी हुई होती है। फिर ये है कि अब कुछ एप्लीकेशन ऐसे होते हैं जिसमें उनको हार्डवेयर यूज़ करना पड़ता है, तो फिर वो दूसरी लैंग्वेज में जाती है, जैसे कॉटलिन वगैरह, जैसे स्नैपचैट है। अब इसमें फिल्टर का काम है, कैमरा एक्सेस से डायरेक्ट, तो डायरेक्ट हार्डवेयर से बात करनी पड़ती है कि इसके मुँह पे ये करना है, फिर आप कॉटलिन स्विफ्ट वगैरह की तरफ जाते हो पढ़ना, सब हो जाता है। बड़े बड़े डेटा सेंटर बने हुए हैं ना, इसीलिए समंदर के अंदर तो इस तरह से मिलता है। अब जैसे यहाँ पे ईमेल का हटा देता हूँ, W1/ ठीक है, नेम भी हटा देता हूँ, सेट नेम, और यहाँ आना चाहिए वैल्यू नेम, ठीक है, यूजर नेम। अब यहाँ पे मैं क्रिएट कर रहा हूँ सेट नेम, और यहाँ खाली स्ट्रिंग, हाँ नेम चेंज कर रहा हूँ। अब यहाँ पे जाके मैं जब मुझे डेटा मिला तो मैंने नेम कर दिया, ठीक है, और यहाँ जाके नेम यूजर नेम, ये समझ आया मैंने क्या किया। अच्छा वो दोनों लोग पीछे बैठे तुम्हें समझ आ रहा है, वैसे ये लोग मजाक में नहीं बोलते बैक बेंचर्स, ये कुदरत नशा होता है, जो आगे बैठते हैं उसको कुदरत नशा सही समझ आता है, जो पीछे बैठते हैं उसको नहीं समझ आता। तो ये एक है बैक बेंचर, बेचारा आगे बैठना शुरू है तो वो भी डब्बू बन जाएगा। हाँ पता नहीं क्या होता है, बस है ये इल्म, किसी भी जगह बैठो जो बोलने वाला है उससे जितना करीब बैठोगे वो चीज़ दिमाग को ऐसा कर जाएगी, वरना बस पता चलेगा हम कुछ बोल रहे हैं, बस ये पता होता है। खुदवा चल रहा है, हमारी तो आदत रही है। अब वो जब नहीं एक इवेंट हुआ था तो क्लास के भी लड़के आए थे, पीछे सीटें खाली थी, मैं आगे गया सीधा जाके स्टेज पर जमीन बैठ गया, तो मुझे देख के सब आ गए पीछे। AWS की डेटाबेस मतलब AWS एक ग्रुप ऑफ कंपनी है, उसमें बहुत सारी चीज़ें बहुत सारी। अब जैसे मैं कोपायलट यूज़ कर रहा हूँ वो भी इसका है, डेटाबेस भी उसकी है, सर्वर भी उसके हैं, मशीन भी उसकी हैं, कासिम हसन जो मेरे साथ थे ना, ये मशीन लर्निंग है, इस पर कंपनी स्विच हो रही है LLMs। हाँ यस एल, इसमें ये होता है मॉडल ट्रेन करने पड़ते हैं साथ में, अब हर बंदे को यही चाहिए तो हर बंदे का अलग मॉडल ट्रेन होता है। कौन सा एक लाइब्रेरी होती है उसमें ही होता है कि गेट यू, जैसे कि मैं एक चीज़ दिखा रहा हूँ, लेकिन तो ये नेटिव इतना इंटरेस्टिंग टॉपिक है ना कि मैं जो भी ज़्यादा बच्चे जाओ उसमें छोड़ रहे थे, मैंने यही कहा था रिएक्ट में रुक जाना क्योंकि रिएक्ट में सब कुछ कॉपी पेस्ट मज़ेदार है। फिर अब रिएक्ट नेटिव और इंटरेस्टिंग क्योंकि मोबाइल डिवाइस इसमें हर फीचर है,
अब जैसे रिंग नेटिव की एक लाइब्रेरी खोलते हैं, ठीक है, अब ये लाइब्रेरी यूज करनी है, रिंग नेटिव मैप हमने इंस्टॉल कर दिया रिंग नेटिव की एप्लीकेशन में। इंपोर्ट किस तरह के, इंपोर्ट मैप यू फ्रॉम रिंग नेटिव, जैसे आपने कोई भी बाय डिफॉल्ट लेटिट्यूड लॉन्गिट्यूड डाल दिया, अगर डालना है तो वरना नहीं डालना। अब जैसे मैंने पाकिस्तान का डाल दिया, ये एक होता है लोकेशन लेटिट्यूड लॉन्गिट्यूड कि आप कहाँ खड़े हो, यूँ यूँ। लेटिट्यूड डेल्टा होता है आसमान से कितना जूम करके दिखाना है, किस एंगल से दिखाना है, हमारा अलग है, न्यूयॉर्क का अलग है, हाई लेवल ये वो सब कुछ। वो वेबसाइट के लिए, ये मोबाइल एप्लीकेशन के लिए थोड़ा डिफरेंट है। अब इसमें एक फंक्शनलिटी होती है, जैसे ये देखो एक्सपो लोकेशन, दो महीने बाद आपका जो हुआ ना हैकाथन उसमें ये सब होगा, ऑनलाइन एक्सपो लोकेशन। अब ये डॉक्यूमेंटेशन कितनी आसान है, ये आपने इंस्टॉल किया एक्सपो इंस्टॉल एक्सपो लोकेशन, समझ पा रहे हैं ना, ये देखने में इसी तरह करता है। एक्सपो से iOS एंड्रॉइड वेब सब में चलती है, वो भी सब में चलती है। उसमें ये थोड़ी सिक्योरिटी है कि iOS के अलग चीज़ें सेटअप करते फिर वो एंड्रॉइड में अलग करते, एक्सपो खुद ही करके दे रहा होता है। एक्सपो भी यूज एक नेटिव का कर रहा था लेकिन एक रैपिड आपकी आसानी के लिए दिया हुआ। अब देखो इसमें क्या फंक्शन है, ये ज़रा खामोशी पीछे खामोशी, मैक में बनती बल्कि विंडोज में बन जाती है ये, अगर एक्सपो यूज़ कर रहे हो तो मैक विंडोज में ही बन जाएगी। डी ए एस बिल्ड उसकी बना देते। अच्छा यहाँ देखो, ये लोकेशन इंपोर्ट किया है, लोकेशन इंपोर्ट किया, अब क्या बोलो, रिक्वेस्ट फॉर ग्राउंड परमिशन गेट करंट लोकेशन, इसको लोकेशन के अंदर आपको करंट लेटिट्यूड लॉन्गिट्यूड मिल जाएगा, बस ये लोकेशन हो गई। सेम वे आप रिएक्ट में भी यूज़ करते हो, ये फंक्शन है लोकेशन डॉट गेट करंट पोजीशन, ऐसी इस लोकेशन के अंदर आपको आपकी जहां आप खड़े हो ना वो मिल जाएगी, चलते जाओ मिलती जाएगी। ये फंक्शन ये है ना, ये रहा रिक्वेस्ट फॉर ग्राउंड परमिशन, ये फंक्शन फॉलो करोगे खुद ही लोकेशन को पॉप आ जाएगा अलाउ और डैनी, बिल्कुल अलाउ और डैनी। लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड कोऑर्डिनेट्स सब मिल जाता है। अभी एक लाइब्रेरी है रिएक्ट जियो लोकेशन, क्या बोल रहा है यूज जी लोकेटेड। अब मसले हर कंप्यूटर में लोकेशन का ऑप्शन भी नहीं होता लोकेशन ट्रैक करने का, सबके पास पी सी इसमें लोकेशन का थोड़ी है, लैपटॉप में होता है, तो इसलिए थोड़ा मुश्किल भी होता है। अब ये आप करोगे ना तो इसमें आपको मिल जाएगा कोऑर्डिनेट्स के आप कहाँ खड़े हो, ठीक है, ये लाइब्रेरी है ये जी लोकेटेड, यहाँ से कोऑर्डिनेट्स उठाओ और यहाँ पास कर दो मैप के अंदर लेटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड, ये मिल रहा है। ऐसे मिल जाएगा
नहीं ईपीए की जरूरत नहीं होती। अगर अगर ज़रूरत पड़े तो आप क्या करते हैं, नोटिफिकेशन डॉट रिक्वेस्ट परमिशन लोकेशन, तो वो अलाउ कर देता है तो हो जाता है। मतलब सर्चिंग कर लो ना थोड़ी सी, सारा फ्लो होता है। ठीक है, अब मैं नेम चेंज करके दिखाता हूँ। देखो एमर दिखा रहा है, एमर टैप कर देता हूँ, एमर टैप टेस्ट। ओ अपडेट का बटन नहीं है, अपलोड कर देता हूँ ना इसके लिए पिक्चर। हो गई होगी कितनी देर में, चैट लिस्ट पे जाता हूँ, एमर टैप टेस्ट और इमेज अपलोड। ठीक है, तो ये सिंपल सा मेथड था हमारा। अब बताएं कोई क्वेश्चंस।